बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस बात को चरितार्थ करने वाला वाक्य धार जिले के धर्मपुरी में हुआ, जहां दो छोटे बच्चों ने ईमानदारी की अनोखी मिसाल पेश की है। जी हां, बात कर रहे हैं धर्मपुरी के वैभव शर्मा और रोहित प्रजापत की, जिन्हें खेल खेल में साइकिल चलाते हुए रोड पर 10,000 रुपए से भरा हुआ एक पर्स मिला, जिसे उन्होंने पुलिस थाने में जमा करवा दिया। आपको बता दें कि पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट व रुपए थे, जिसे इन बच्चों ने धर्मपुरी पुलिस को सौंपा और उनसे कहा कि यह पर्स उन्हें रोड पर पड़ा हुआ मिला था, जिसका भी है आप उनको लौटा देना। आपको बता दें कि यह पर्स ग्राम दावड़ के रहने वाले गल सिंह वासकेल का था, जो पर्स गुम होने की शिकायत थाने पर दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे थे। पर्स मिलते ही गल सिंह खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बच्चों की ईमानदारी को देखते हुए दोनों बच्चों को 500 रुपए इनाम दिया। धर्मपुरी पुलिस ने भी वैभव और रोहित की ईमानदारी की तारीफ करते हुए अपनी ओर से 500 रुपए का इनाम दिया और उनकी जमकर सराहना की। धर्मपुरी से गोलू पटेल की रिपोर्ट। साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते मेरे को एक बीच सड़क पे पर्स पड़े हुआ दिखा। पहले मैंने समझा कि ऐसा ही कोई बच्चा मजाक कराएगा, तो मेरे को आधार कार्ड से दिखा कि ये कोई का है। मैंने आईडी कार्ड देखा कि ये कोई, मैंने फिर उसको ढूंढा, फिर मैं इसके पास गया मेरे दोस्त के पास, फिर मैंने उसको बोला चलो वो पुलिस वालों के पास, वो कोई वो जिसका पर्स होगा उसको लौटा भी देंगे। 10,000 रुपए थे उसमें, तो हमने बोला हमने 1 रुपए को नहीं हाथ लगाया उसमें, हम सीधे आ गए। फिर क्या करा आपने, पुलिस को दिया पर्स? दिया और बस वो आ भी गए, उन्होंने ले लिया। अच्छा, आपको ये कहाँ से पता चला कि ये पर्स जो है ये उसको पुलिस को देना चाहिए तो ताकि ये मिल जाए, ऐसी कहाँ से आपको जानकारी लगी थी? मुझे जानकारी ऐसी लगी कि अब हमारे भारत देश के पुलिस ऐसे है, सबको पूरा सब सामान मिलता। मैंने सोचा कि अब ये पर्स तो कोई अपन यहाँ कोई को ढूंढेंगे तो कोई मिलने नहीं वाला, अपन सीधे चलते पुलिस के पास। अब वो सीधा सब उसका वो कर देंगे, फ़ोन लगा के नंबर वंबर होएगा, तो फिर उनको मिल गया उनका पर्स। सर, इन बच्चों वैभव और रोहित, जो कि मेरा पर्स सब्जी मंडी में गिर गया था और इन्होंने लेके थाने पर आया और मैं भी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था, और इन बच्चों की ईमानदारी पे मुझे गर्व है कि इन्होंने थाने पर आके दिया और मुझे मेरा पर्स मिल गया वापस, और मैं इतना परेशान नहीं हुआ, बहुत परेशान होता हूँ, बड़ा मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, और इन बच्चों को सराहने में 500 रुपये इनाम देता हूँ सर। अच्छा, सच्ची दूसरे बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि अपने जल्द पुलिस के पास आए जो कि देने। कितने पैसे थे आपके सर? उसमें 10,000 रुपये थे, और इन बच्चों ने वो ईमानदारी दिखाई सर, पुलिस थाने सीधे चल के आए और इन्होंने दिया, जिनका धन्यवाद करता हूँ सर मैं। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने कि इतने पैसे मिलने के बाद भी 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते, उनका मन डावल डोल नहीं हुआ, और उन्होंने उस पर्स में से आधार नंबर के आधार पर बोले सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे पैसे पर्स मांग रहा था, मगर उन्होंने न देते हुए थाने में आया, और वो थाने में बताया कि सर ये पर्स मिला है, इसमें करीब 10,000 रुपये थे, उस आधार नंबर के आधार पर, उस आधार कार्ड के आधार पर, उस जिसके पर्स घुमाता उसको बुलाया और उसके जिम्मे किया है। धर्मपुरी के सभी बच्चों के लिए मिसाल है कि बच्चों का मन डावाडोल नहीं हुआ और पर्स से भरा पैसे पर्स का पुलिस को वापस दिया, और इसीलिए बच्चों को 500 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दिए गए।